चलिए दोस्तों कुछ अलग तरीके से समझे कि घास पुलिंग है या स्त्रीलिंग, या फिर कह सकते हैं कि घास जो शब्द होता है वह एक स्त्रीलिंग है या पुलिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग की मदद से स्त्री और पुरुष में अंतर होता है और लिंग वह होता है जो स्त्री और पुरुष का बोध कराती। और वहीं पर अगर पुलिंग की बात की जाए तो किसी तरह के शब्द के रूप से ही यह पता लगा लिया जाए कि यह शब्द पुरुष जाति का है तो वह पुलिंग कहलाता है। और इसी तरह से अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध मालूम चलता है वह एक स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको देते हैं कि घास पुलिंग है या स्त्रीलिंग। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि घास जो शब्द होता है वह एक स्त्रीलिंग शब्द होता है और यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि घास जो शब्द होता है वह हिंदी व्याकरण के अंदर एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। यानी दोस्तों एक बार जरा फिर से सुनिए कि घास शब्द को हिंदी व्याकरण के अंदर स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि घास किसे कहते हैं। घास एक पौधे की जड़ों से उगने वाली हरी और बर्फ व बरसात की अवस्थाओं में चारा के रूप में खाई जाने वाली वनस्पति होती है। यह जंतु प्राणियों का मुख्य खाद्य स्रोत होता है, जैसे कि गाय भैंस बकरी आदि का एक भोजन होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि घास पुलिंग है या स्त्रीलिंग। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि घास जो शब्द होता है वह एक स्त्रीलिंग शब्द होता है और यह आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर बैठाते हुए इसे अच्छी तरह से याद करें। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि घास पुलिंग है या स्त्रीलिंग, या फिर कह सकते हैं कि घास स्त्रीलिंग है या पुलिंग। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।